आदेश मानने से इनकार करने पर गया के वजीरगंज प्रखंड में एक दलित युवक को अपना और दूसरों का थूक चटवाया गया है। एक तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है तो दूसरी ओर इस तरह की हरकत समाज के लिए गिरते मानस को उजागर कर रही है। घटना 7 अप्रैल की बताई जा रही है। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला यह है कि गया जिले के वजीरगंज प्रखंड की धुरियावा पंचायत में एक पूर्व मुखिया और उसके परिजनों के चुनाव में सहयोग करने से इनकार करने पर युवक को थूक चटवाया गया है। दलित युवक का इनकार किया जाना पूर्व मुखिया को काफी नागवार गुजरा है। पहले तो उसने अपने आदिवासियों आदमियों के जरिए उससे समझाने की कोशिश की, लेकिन फायदा नहीं हुआ तो यह सजा दी गई। पूर्व मुखिया इतना बौखला गया कि उसने अपने आदमी को भेजकर उस दलित युवक को उठवा लिया। अपने घर पर दलान में दरबार लगाया गया। दर्जनों लोग उस दरबार में शामिल हुए। सभी की उपस्थिति में उसे भला बुरा कहते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि मुखिया जी को वोट नहीं देने की बात सपने में भी ना सोचे। इसी बीच मुखिया के समर्थकों ने उसे कहा कि तू थूक फेंको और उसे चाटो। इस घटना की जानकारी मिलने और वीडियो सामने आने के बाद गया के SSP आदित्य कुमार ने कहा है कि मामला बेहद गंभीर है। हमने 2 अफसरों की टीम बनाई है। वीडियो की जांच के साथ साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी गई है। रात तक सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुरुषोत्तम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, एक वीडियो वायरल हो रहा है इस समय। जनतंत्र टीवी भी इस वीडियो को अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है जिसमें मानवता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। एक युवक पर थूक फेंका गया, उसे चटवाया गया, पूरा मामला क्या है? देखिए संतोष, ये पूरा मामला गया जिले के वजीरगंज प्रखंड की बताई जा रही है, जो घुरियावा पंचायत का है। वहाँ के पूर्व मुखिया अभय सिंह उर्फ अदलू सिंह है, जो कि एक महादलित युवक को अपना बाप ना मानने के एवज में उससे थूक चटवाया गया एवं दूसरे लोगों का भी थूक चटवाया है। इस पर गया के SSP ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले से संबंधित 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस पूरे मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है? 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे? हालांकि पुलिस का मानना है कि मामला प्रेम प्रकरण से जुड़ा हुआ है, चुनाव से संबंधित नहीं है। पुरुषोत्तम, अगर कोई वोट नहीं दिया देगा तो लोकतंत्र में क्या जबरदस्ती वोट लिया जाएगा और इस तरह की हरकतें, उसका वीडियो भी बनाया जाएगा? इस तरह की हरकतें मानवता को शर्मसार करने वाली है। हालांकि ये चुनाव से संबंधित वीडियो नहीं है, इस तरह का मैसेज फैलाया जा रहा है। गया के SSP कह रहे हैं मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और उन्होंने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या मामला वोट का ही है या फिर कोई आपसी रंजिश है या मामला कोई दूसरा है? नहीं, मामला वोट का नहीं है। प्रशासन के अनुसार, पुलिस प्रशासन के अनुसार ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पुरुषोत्तम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कल एक वीडियो वायरल हुआ था जो एक बहुत ही अपमानजनक घटना इसमें दिखाई गई थी कि एक लड़के को थूक चटवाई जा रही थी वीडियो में कुछ लोगों के द्वारा एक कमरे के अंदर। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एडिशनल SP के नेतृत्व में एक टीम बना के तुरंत भेजा गया था। वहाँ से इस बात का सत्यापन जब कराया गया तो बात ये सही नहीं थी। मामला आया कि जो लड़का था, जो नाम नहीं बताएंगे, कि जो लड़का था वो एक लड़की को लेके भागा था। उसके बाद वो 3-4 दिन बाद जब वो वापस आ गया तो पंचायती कराने के लिए लोग उसको मुखिया के यहाँ लेके गए, जो वीडियो में भी आ रहा है। तो वहीं पे जाके उसकी पंचायती के फैसले में ये सब, ये जो कुकृत्य था वो किया गया। इसमें हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए केस नंबर 159/21 जो है वजीरगंज थाना में लॉज हुआ है SC/ST एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंदर। और इसमें 6 लोग, एक विठल सिंह, एक धर्मेंद्र कुमार, एक गौतम कुमार, एक दिलीप मांझी, विजय मांझी, इंदल मांझी और लालजीत कुमार, इनको गांव कड़ोराम से गिरफ्तार किया गया है और इनको फॉरवर्ड किया गया है। घटना सत्य थी। इसमें लड़की के परिवार वाला भी, जो उसका लड़की का फादर था, उसने भी इसमें शामिल था, उसको भी पकड़ के भेजा गया है। उसके भाई को भी पकड़ के भेजा गया है।
दो ग्रामीण थे उनको भी पकड़ के भेजा गया, उसमें जो जगह थी उसके मालिक को भी चिन्हित किया गया, उसमें और भी लोगों को चिन्हित किया गया, उनके लिए भी छापेमारी जारी, बहुत जल्दी उनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। और आरजेडी प्रवक्ता अभिषेक कुमार इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, जिस तरह से पूरा मामला गया से आया है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक थूक चाटता हुआ नजर आ रहा है। पहले बताया जा रहा था कि वोट ना देने के एवज में इस तरह का वीडियो बनाया गया, इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, दबंगों ने उस पर दबाव डाला। अब कहा जा रहा है कि मामला निजी है, लेकिन मामला निजी हो या वोट का, इस तरह की घटना जो सामने आई है, जिसका वीडियो इस समय जनतंत्र टीवी दिखा रहा है, ये किस हद तक जायज है और नाजायज है, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, ऐसा है, बिहार में विधि व्यवस्था तो पहले लचर है, वहाँ किसी को शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है। और ये जो मामला आप संज्ञान में हमें बता रहे हैं, मैं टीवी तो देखा नहीं, खैर जो भी हुआ इसकी घोर निंदा होनी चाहिए, भर्त्सना होनी चाहिए, ठीक है ना। आज के युग में ये 21वीं सदी चल रहा है, अगर बिहार में ऐसा मामला सामने आ रहा है और बिहार के प्रशासन शासन सो रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अभी जैसे सुना है कि चलो भाई गिरफ्तारी किया है, लेकिन अगर ऐसी घटनाओं को पहले से ही संज्ञान में लेकर के अगर होने ना दिया जाए, क्योंकि पंचायत जो होती है पूरे गांव के पंचायत लोग होते हैं उसमें, ऐसा तो है ना कि थाना हर जगह वजीरगंज थाना या 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे होता है, पुलिस को पता नहीं होता। ऐसे कई मामला है, अभी मधुबनी में भी देखिए नरसंहार हुआ, कई चीज हुआ बिहार में, जो शासन जो है 3 घंटा 5 घंटा लेट आती है हर जगह, समझ रहे ना। जब घटना घट जाती है तब बिहार सरकार के शासन प्रशासन जगती है, तो इसकी जितनी पुलिस लेट आई होगी, शासन प्रशासन लेट आया होगा। इस ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये वीडियो विपक्ष के नेताओं के पास भी पहुंचा गया होगा, विपक्ष के नेताओं ने क्या उनसे मिलने की कोशिश की, क्या उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है? देखिए, अगर पहुंचेगा जरूर जाएगा भाई, हमारे पास अगर हमारे और नेताओं के पास अगर ऐसी घटना का पता चलेगा तो जरूर जा करके मिला जाएगा, उसको संज्ञान में लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है कि शासन और पुलिस का जो क्रिमिनल बदमाश है और दबंग लोगों में कोई डर नाम का चीज नहीं रहा बिहार में, समझ रहे ना। इस समय आप जनतंत्र टीवी पर ये वीडियो देख रहे होंगे, मुझसे आपकी बात भी हो रही है, अब ये बात आपके संज्ञान में आ चुकी है, आपकी तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आएगा, आप किस तरह से पहल करेंगे? अब रिएक्शन आएगा भाई, हमारे जो वहाँ के क्षेत्रीय नेता होंगे, जिला अध्यक्ष होंगे, अन्य विधायक होंगे आसपास, तो वो जरूर इस चीज को संज्ञान में लेकर के बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। और बात जो है सरकार को, देखिए हम तो विपक्ष में है और ये तो सत्ता पक्ष को सोचना चाहिए ना किस तरह का माहौल बिहार में बनाया जाए। नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी ये होती है कि विपक्ष अगर, विपक्ष अगर सत्ता, जिम्मेदारी अगर सत्ताधारी नेता या सत्ता गलत रास्ते पर चली जाए तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उसे सही रास्ता दिखाया जाए। करते ही रहते हैं, हमारा तो काम है, हम जहाँ भी अन्याय हो रहा है उसके लिए हम खड़ा होते ही रहते हैं और होते रहेंगे। तो सर, अन्याय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर आश्वासन मांग रहे हैं। हम अन्याय की तस्वीर दिखा रहा है, संज्ञान में आने दीजिए अभी सारा मामला, हम भी सच्चाई पूरा लोग बजा के देख रहे हैं, इसको हम सरकार तक पहुंचाएंगे, उच्च अधिकारी तक पहुंचवाएंगे, अपने प्रतिपक्ष के नेताओं के माध्यम से। आप चिंता ना करिए, जो भी सरकार है, जो गलत करता है कदम, जो कदम उठाता है गलत, उसके लिए हम लोग विरोध में खड़ा होते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग कोई आंख मूंद के नहीं है, विपक्ष बिहार में बहुत मजबूत है, बहुत मजबूती से काम कर रहा है। लेकिन सवाल उठता है, सरकार जो चला रहा है ना, सरकार जो चला रहा है और ऐसी घटनाएं हर क्षेत्र में, हर जिला में कहीं न कहीं हत्या, लूट, बलात्कार और छिनैती और ये इस तरह का दबंगों का अत्याचार होता ही रहा है। आप देख रहे होंगे कि कभी कुछ दिन पहले कुछ लोग जो है जातिगत रूप से किसी को धमका रहा है कि सबको चीर देंगे, फाड़ देंगे, तो वहाँ तो अभी शासन नाम का कोई, प्रशासन नाम का कोई चीज है नहीं बिहार में, समझ रहे हैं ना। कुछ गिने चिने लोग चला रहे हैं इसको, ऐसी घटना होना आम बात है। बिहार में प्रशासन नाम का और सत्ता सुशासन सिर्फ दिखावा के लिए है, जनता परेशान है बॉस, मैं सही बताऊं। जी, जनता परेशान है ये दिख रहा है, लेकिन विपक्ष भी, विपक्ष के नेता के तौर पर आपने भी बहुत कोई बहुत बड़ा आश्वासन नहीं दे दिया इस घटना की तस्वीरें दिखाने के बावजूद भी, ये थोड़ा सा निराश जरूर करता है। खैर, आप हमारे साथ जुड़े, इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कोरोना वायरस ने बीते कुछ दिनों में भारत में जिस तरह से अपने पैर फैलाए हैं उससे हर किसी में डर का माहौल है। दिल्ली मुंबई के बाद अब छोटे शहरों में कोरोना का तेज प्रसार हो रहा है। बिहार में भी कोरोना की बेकाबू रफ्तार हर किसी को डरा रही है। हालांकि बिहार में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कुछ धीमी हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल 2,999 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 17,052 हो गई है। बीते 24 घंटे के अंदर 6 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजाना 1,00,000 कोरोना जांच का लक्ष्य रखा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी तक यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। अवनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, बिहार में भी लगातार कोरोना पैर पसार रहा है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन स्थितियां नियंत्रण में अभी तक नजर नहीं आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल नाइट कर्फ्यू जरूर लगाया गया है। शाम 7 बजे के बाद तमाम दुकानों को बंद करने का निर्देशित किया गया है। जो आंकड़े 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो थोड़ी सी राहत जरूर देने वाली है। पिछले अमूमन 2-3 दिन पहले के जो आंकड़े थे उसमें कमी जरूर आई है। कल के आंकड़े में, 24 घंटे के आंकड़े में, आज का नया आंकड़ा जो है वो 6 बजे आएगा। लेकिन टेस्टिंग पर विशेष रूप से सरकार जोर दे रही है और प्रतिदिन लगभग 1,00,000 टेस्टिंग कराने का लक्ष्य जो है वो सरकार ने रखा है। और टेस्टिंग ही एक माध्यम है जिसके जरिए कोविड के लोगों की पहचान हो सकती है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या अन्य जगहों पर हो। तमाम जो सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर कोरोना टेस्टिंग की जा रही है और जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं उनको आइसोलेशन सेंटर पर भेजा जा रहा है। पटना में बड़ा एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, वहां पर तमाम मरीजों को भेजा जा रहा है। पीएमसीएच और एनएमसीएच में भी रखा जा रहा है। आज अभी तक के जो आंकड़े हैं लगभग 8 लोग की जो है वो मृत्यु हो चुकी है कोविड से। तो ये थोड़ी सी जरूर गंभीर जो है वो समस्या जरूर हो रही है कि लोगों को जो मरने की जो रफ्तार है उसमें कमी नहीं आ रही है, क्योंकि उमन कल जो है 6 लोग की मौत हुई थी, 8 अभी तक का जो आंकड़ा है वो 8 लोगों की मौत हुई। ये थोड़ी सी चिंता का विषय जरूर है, लेकिन सरकार टेस्टिंग और टीकाकरण इस पर ज्यादा जोर दे रही है। टेस्टिंग की भी काफी दायरा बढ़ाने पर सरकार काम कर रही है। वहीं जो वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है उसको भी और गति तेज करने का काम जो है वो सरकार कर रही है। देखिए, कोविड को लेकर सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें तमाम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नतीजों का असर हो रहा है कि लोग जो है पॉजिटिव ज्यादा हो रहे हैं। तो वैसी स्थिति में सरकार ने एक गाइडलाइन भी बनाया है, सरकार ने सबों को सचेत भी किया है और शाम 7 बजे तक तमाम प्रतिष्ठान को जो है वो बंद करने का जो है वो निर्देशित किया है। हमें लगता है कि आने वाले समय में सरकार और भी सख्त कदम उठाएगी और जो भी लोग हैं उनको जरूर हिदायत जरूर की जा रही है कि वे लोग जो है मास्क पहनकर चले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लेकिन जो लोग अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन पर सरकार कार्रवाई भी करे। हमें लगता है कि आने वाले समय में सरकार और भी कड़े फैसले जो है वो ले सकती है। अवनीश, इस समय प्रवासी मजदूरों का बिहार पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे दिल्ली की बात कर लें या दूसरे शहरों की बात कर लें, वहां से लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि बिहार के लिए लोग पलायन करने को मजबूर हो गए और जाना शुरू कर दिया है। ऐसे में रेलवे स्टेशन या जो बस स्टैंड है वहां पर किस तरह की तैयारी कर रखी है प्रदेश सरकार ने? पहले से जो महाराष्ट्र और दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं, जो ट्रेन से आ रहे हैं, बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्टिंग उन तमाम स्थानों पर किया जा रहा है जहां पर ट्रेन का ठहराव है, चाहे आरा, बक्सर, पटना, दानापुरी, तमाम जो जगह हैं जहां पर जो बॉर्डरिंग इलाके हैं जो लोग आ रहे हैं उनके टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। जो बस स्टॉप है वहां पे भी कोरोना टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। पटना में भी कई सेंटर्स बनाए गए हैं, कोई भी व्यक्ति अगर टेस्टिंग कराना चाहता है तो वो वहां पर जाकर टेस्टिंग भी करा सकता है। तो अब जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें कोरोना टेस्टिंग कराने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, तो इससे अंदाजा यही लग रहा है कि जो कोरोना का जो खौफ है वो लोगों के अंदर जरूर है और इसका नतीजा है कि लोग जो है वो टेस्टिंग खुद से खुद करा रहे हैं। जो रेलवे स्टेशन हो या बस स्टॉप वहाँ पे तो जो मजदूर आ रहे हैं उनका जो है विभागीय अधिकारी भी वहाँ मौजूद है, वे लोग कोरोना टेस्टिंग करवा रहे हैं। लेकिन जो अन्य सेंटर है, खासतौर पे जो गर्दनी बाग हो, गार्डनर हो या पटना का शास्त्री नगर हो, इन जगहों पे जो कोरोना टेस्टिंग सेंटर बनाए गए वहाँ पे लोग खुद अब जागरूक होकर टेस्टिंग करवा रहे हैं। तो हमें लगता है कि टेस्टिंग का दायरा भी काफी बड़ा है और जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको उनका पूरी तरह से टेस्टिंग हो, टेस्टिंग के बाद ही वो घर जाए, इसकी व्यवस्था जो वो सरकार ने की। अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update.